गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज बेटा हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर टू नेमिंग वर्ड्स का वोवेल एंड कॉन्सोनेंट वाला जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट किया था। नाउ टुडे योर टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। ठीक है, कहाँ हम कैपिटल लेटर का स्मॉल यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम स्मॉल लेटर्स का यूज़ करेंगे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वी बिगिन द नेम्स ऑफ पीपल विथ अ कैपिटल लेटर। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन का कोई भी नेम ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ पीपल लोगों का जो नाम होता है चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, उसको कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? ऑलवेज कैपिटल लेटर से। कैपिटल मतलब बड़ा, जो बड़ी ABCD होती है उसको कैपिटल लेटर कहा जाता है। वी बिगिन द नेम्स ऑफ थिंग्स विथ अ स्मॉल लेटर्स। और अगर कोई भी थिंग्स हैं, ठीक है, किसी का नेम है, थिंग्स है, ये सब क्या है? नाउन है। तो नाउन में जो पीपल्स नेम होंगे हैं, मतलब लोगों के जो नाम होंगे उनको आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और थिंग्स नेम जो होंगे उनको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैक हैज़ अ बॉल। तो यहाँ पर आपको देखो जैक का जो जे है वो कैपिटल है, क्योंकि जैक क्या है? इस बॉय का नेम है। और बॉल का जो बी है वो स्मॉल लेटर है। ठीक है, वो ये स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है। बॉल का बी हम कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये थिंग्स का नेम है। तो पर्सन नेम है, पीपल नेम है, तो आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे, और थिंग्स नेम है तो उसमें आप स्मॉल लेटर का ही यूज़ करेंगे। सेकंड एग्जांपल, लूसी हैज़ अ डॉल। तो लूसी का एल क्या है? कैपिटल है। और डॉल का डी क्या है? स्मॉल है। ओके, तो नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, आई विल एक्सप्लेन यू दिस एक्सरसाइज। लुक एट द नेम्स ऑन द टी शर्ट्स। आपको यहाँ पर जो बॉय और गर्ल दिख रहे हैं इनके टी शर्ट्स पर नेम्स लिखे हुए। ओके, ईच चाइल्ड हैज़ द थिंग डैट बिगिन विद द फर्स्ट लेटर ऑफ द चाइल्ड्स नेम। और यहाँ पर कुछ थिंग्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो ये जो थिंग्स स्टार्ट हो रही है, जिस लेटर से स्टार्ट हो रही है, उसी लेटर से यहाँ पर जो आपको चिल्ड्रन दिख रहे हैं, जो बच्चे दिख रहे हैं, उनके नेम भी उसी लेटर से स्टार्ट है। तो हमको इसको क्या करना है? मैच करना है। ओके, जैसे टॉम है, टी फॉर टॉम, तो टॉम को आप किससे मैच करेंगे? ये आपको क्या दिख रही है? इन्होंने मैच करके दिखाया है आपको, ट्राइसिकल, टी फॉर ट्राइसिकल। वैसे ही बी फॉर बॉब, बॉब को हम किससे मैच करेंगे? इसमें बी से आपको क्या दिख रहा है? BAG, बैग, बैग से आप इसको मैच कर देंगे। ओके, रोजी, रोजी, आर फॉर रोजी और आर फॉर रोज। डॉली, डी फॉर डॉली एंड डी फॉर डॉल। के फॉर कपिल एंड के फॉर काइट। तो ऐसे ये आपको क्या करना है? मैच करना है, और उसके बाद में आपको इसके सेंटेंस भी बनाना है। नाउ राइट सेंटेंस एज शोन। आपको यहाँ पर एक सेंटेंस बना के दिया है, वैसे ही आपको बाकी के 4 सेंटेंस और बनाना है। फर्स्ट है टॉम। ठीक है, ये टॉम दिख रहे, टॉम को हमने किससे मैच किया? पहले से ऑलरेडी मैच है ट्राइसिकल से। तो क्या लिखा, सेंटेंस क्या बना? टॉम हैज़ अ ट्राइसिकल। टॉम के पास क्या है? ट्राइसिकल है। ओके, हैज़ लगाना है आपको, टॉम हैज़ अ ट्राइसिकल। अब सेकंड कौन है? बॉब। तो क्या लिखेंगे आप? बॉब हैज़ अ बैग। तो बॉब का आप बी क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपको स्मॉल और कैपिटल लेटर का ध्यान रखना है। ठीक है, बॉब हैज़ अ बैग, बैग थिंग का नेम है, तो आप बी को स्मॉल लिखेंगे, है ना, बी कैपिटल नहीं लिखना आपको। बॉब हैज़ अ बैग। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? रोजी। तो रोजी का जो आर है वो आप कैपिटल लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे? रोजी हैज़ अ रोज। रोज क्या है? थिंग है। तो रोज का जो आर है वो हम स्मॉल लिखेंगे। ऐसे ही आपको 2 कंप्लीट करना है। डॉली, डॉली के पास क्या है? डॉली हैज़ अ डॉल। तो डॉली का डी आप कैपिटल लिखना और डॉल का डी स्मॉल लिखेंगे। नेक्स्ट है कपिल, तो आप क्या लिखेंगे? कपिल हैज़ अ काइट। ओके, तो ये 3 मैंने आपको बता दिए हैं, 2 आपको खुद से करना है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पर बेटा आपको डेज ऑफ द वीक के नेम दिए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये आपका होमवर्क है कि इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। ये जो स्पेलिंग्स है ये आपको क्या करना है? लर्न करना है। एंड नेक्स्ट है आपका मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, महीनों के नाम, कि पूरे साल में कितने महीने होते हैं और कौन कौन से होते हैं।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 12 तक मंथ्स नेम दिए हैं, तो आपको डेज नेम एंड मंथ्स नेम दोनों को क्या करना है, आपको अच्छे से लर्न करना है, और पीछे जो मैंने एक्सरसाइज दी है साथ में वो भी आपको कंप्लीट करना है। तो नाउ इतना वर्क आप अपना कंप्लीट करके रखेंगे, सिर्फ आपको बुक में ही वर्क करना है, जो मैंने लर्न करने के लिए दिया है वो आपको लर्न करना है। हम नेक्स्ट पेज पे जो एक्सरसाइज दी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके लिए आपको डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द नेम लर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ आप अच्छे से लर्न करके रखेंगे। थैंक यू।